नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में स्टार प्लस महाभारत को रिव्यू करेंगे। तो कमेंट्स आते रहते हैं कि मुझे स्टार प्लस महाभारत को भी रिव्यू करना चाहिए, तो क्या ये शो को मैं देखा हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, ये शो को मैं देखा हूँ। जिस वक्त रिलीज हुआ था उस वक्त ही देखा था, और जिस वक्त ये शो अनाउंस हुआ था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था। मैं दिल से चाहता था कि कोई महाभारत से रिलेटेड शो आए और मैं महाभारत को अच्छे से जान लूं, क्योंकि उस वक्त मैं महाभारत को नहीं पढ़ा था, बुक्स नहीं पढ़ा था, उसके बाद ही मैं महाभारत पढ़ना चालू किया था। तो मैं चाहता था कि कोई शो ऐसा देख लूं कि महाभारत की पूरा ज्ञान मुझे आ जाए और मुझे बुक्स पढ़ना ना पड़े, क्योंकि बुक्स बहुत लंबा है। अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो बहुत सारे स्टोरी है बुक्स में। तो ठीक है, उस वक्त मैं ऐसे करके मैं एपिसोड्स देखना चालू किया था और नए तरीके से महाभारत को ये लोग प्रेजेंट किए थे, तो मैं काफ़ी एंजॉय किया था ये शो को। फिर मुकेश खन्ना कमेंट करते हैं कि नहीं, ये शो को देखना नहीं चाहिए क्योंकि ये शो में ऑथेंटिसिटी कम है, ठीक से बुक्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। बहुत ही अपमानजनक वे से महाभारत बनाई जा रही है, उसका तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। सत्यवती को उन्होंने मत्स्य गंधा बता दिया, पूरा डेली सोप बनाने की कोशिश होती है महाभारत को। तो उनकी बात जब मैं सुना, क्योंकि वो भीष्म के रोल किए हैं पुराने सीरियल्स में, कि क्या ये शो में सही दिखाया जा रहा है कि नहीं, कुछ कुछ सीन जब टीवी में आता था वो देख के भी मैं सोच में पड़ जाता था कि क्या ये सही दिखाया गया है, क्योंकि सीन थोड़ा सा इलॉजिकल यहाँ पे लग रहा है। और उस वक्त हमें बताने के लिए भी कोई नहीं था शो में क्या सही दिखाया जा रहा है, क्या गलत दिखाया जा रहा है, कहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी लिया गया है, कुछ पता नहीं था। जो भी शो में आता था हम देख लेते थे, एंजॉय कर लेते थे। आज हमारे पास YouTube जैसे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, हम रिव्यू कर पा रहे हैं, लोग पोस्ट करते हैं, एक दूसरे के पास हम अपना मैसेज पहुँचा पा रहे हैं। उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था। शो की अन्य चीज़ों के बारे में बात करें तो शो में कास्टिंग बहुत बढ़िया हुआ था, वो चाहे कर्ण की कैरेक्टर हो या फिर भीष्म की कैरेक्टर हो या फिर भीम की कैरेक्टर हो, शकुनी की कैरेक्टर हो, बहुत ही बढ़िया कास्टिंग ये शो में हुआ है जो कि मुझे पसंद आया। उसके बाद BGM, हर कैरेक्टर के पीछे एक BGM बजता था, अर्जुन की एक BGM रहता था, कर्ण की एक BGM रहता था, शकुनी की एक BGM रहता था, वो भी बढ़िया लगता था देखने में। सौरभ राज जैन को श्री कृष्णा की रोल दिया गया था, बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया है, बहुत ही पसंद आया उनको देख के। तो शो में कास्टिंग बढ़िया था, शो की BGM बढ़िया था, शो की प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़िया था, तो सब कुछ ये शो में देखने में अच्छा लगता था। लेकिन बात करें स्टोरी की, ऑथेंटिसिटी की, तो ये शो में वो कमी है। तो अगर आपको रियल महाभारत जानना है तो आइदर आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप शो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप B.R. चोपड़ा की महाभारत देखिए, या फिर श्री कृष्णा शो जो आता है वहाँ पे भी महाभारत की एक अच्छा खासा पार्ट को कवर किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एंजॉय करने के लिए ये शो एक बढ़िया शो है, एंजॉय आप बिल्कुल कर सकते हैं ये शो देख के।